नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल ये भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 80 और 90 के दशक में पॉप और रॉक म्यूजिक का जलवा था। बदलते जमाने में म्यूजिक भी बदल रहा था और सबकी जुबान पर छाया हुआ था। कभी आना तू मेरी गली, हम्मा हम्मा, मेड इन इंडिया और नचांगे सारी रात, 80 और 90 के दशक के ये गाने तो आपको याद ही होंगे। वो दौर बदलाव का दौर था, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी हलचल मची हुई थी। पॉप और रॉक म्यूजिक धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। इन गानों को लिखने, कंपोज करने और गाने वाले सिंगर्स देश में कोहराम मचा रहे थे। देश में पहला रैप बाबा सहगल ने बनाया था। तरसेम सिंह सैनी ने हिंदी पंजाबी मिक्स पॉप गाने गाए। रेमो फर्नांडिस के म्यूजिक का नशा ऐसा था कि उनके गाने लोगों को मुंह जुबानी याद थे। और अलीशा चिनॉय ने तो मेड इन इंडिया गाना दिया जो हर खास मौके पर देश की शान बढ़ाता है। लेकिन उस जमाने में धूम मचाने वाले ये सिंगर सब कहाँ हैं? कोई गुमनामी के अंधेरे में खो गया तो किसी की दर्दनाक मौत हुई, कोई डॉक्टर बन गया तो किसी ने अपना करियर खुद ही खत्म कर लिया। तो आइए एक बार फिर आपकी यादों को ताज़ा करते हुए इन सिंगर्स के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं रेमो फर्नांडिस की। रेमो फर्नांडिस का पूरा नाम लुइस रेमो डी मारिया बर्नांडो फर्नांडिस है। इनका जन्म गोवा में हुआ था। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना कंपोज किया था। इंडियन पॉप म्यूजिक को बुलंदियों तक पहुंचाने का क्रेडिट इन्हें ही दिया जाता है। पॉप, रॉक और इंडियन फ्यूजन। रेमो फर्नांडिस अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद यूरोप चले गए और जब वह वापस इंडिया आए तो उन्होंने गाने लिखे, गाए और कैसेट में भरकर अपने नाम के स्टिकर लगाकर गोवा में बेचने लगे। और ऐसा करने के बाद धीरे धीरे यह फेमस भी हो गए। और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इनका गाना सुना तो इन्हें विदेश में होने वाले एक प्रोग्राम में गाने का मौका भी दिया। और इसके बाद रेमो फर्नांडिस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इनकी जिंदगी में तब सब कुछ बदल गया जब इनके 4 दोस्तों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। और इनके वह दोस्त वही दोस्त थे जिनके साथ इन्होंने अपना म्यूजिक करियर शुरू किया था। इस हादसे के बाद वह डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन के इलाज के बाद जब उन्होंने वापसी की तो वैसी शोहरत उन्हें हासिल नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और पुर्तगाल की नागरिकता ले ली। आज रेमो फर्नांडिस 71 साल के हैं। रेमो के गाने हम्मा हम्मा, अफलातून अफलातून, प्यार तो होना ही था का टाइटल ट्रैक और लव यू सोनियू है। अगला नाम है बाबा सहगल का, जिनको इंडिया का पहला रैपर भी कहा जाता है। उनके इंडी पॉप गानों ने धूम मचा दी थी। बाबा सहगल ने ठंडा ठंडा पानी, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा जैसे गाने दिए। लखनऊ के रहने वाले बाबा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लेकिन म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा दिया था। कहते हैं कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलने लगी थीं, इसीलिए वह देश छोड़कर सिंगापुर चले गए थे। अपनी सारी कमाई को बिजनेस में लगाया लेकिन सब कुछ चौपट हो गया। इसके बाद वह वापस भारत आए और रियलिटी शो बिग बॉस भी किया, लेकिन अफसोस फिर भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी। अगला नाम जिस सिंगर का है, उन्होंने पढ़ाई तो की थी डॉक्टरी की लेकिन बन गए सिंगर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पलाश सेन की। सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, फिजिशियन, डायरेक्टर और एक्टर। यूपी के लखनऊ में जन्मे लेकिन दिल्ली में पले बढ़े। वहीं पर MBBS और ऑर्थोपेडिक्स में MS की पढ़ाई की। कॉलेज में ही हंसी मजाक में एक बैंड बनाया जिसका नाम रखा यूफोरिया। इसका पहला गाना धूम पिचक धूम रिलीज होते ही छा गया। फिर इसके बाद इस बैंड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आना तू मेरी गली जैसे सुपरहिट गाने दिए। कहते हैं कि पलाश सेन इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स का शिकार हो गए क्योंकि वो जी हजूरी नहीं करते थे। धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया। आज पलाश सेन 58 साल के हैं और गाने बजाने के अलावा वह एक डॉक्टर भी हैं। कभी आना तू मेरी गली, तुझे पलकों पे रखूंगा जी। अगला नाम है अलीशा चिनॉय का, जिनका मेड इन इंडिया गाना जबरदस्त पॉपुलर हुआ और आज भी वह गाना फेमस है। इन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप कहा जाता है। बप्पी लहरी ने इन्हें मौका दिया था और इन्होंने अपने टैलेंट से सफलता का मुकाम हासिल किया।
लेकिन इनकी ज़िंदगी तब बदली जब मैनेजर राकेश जवेरी से उन्होंने शादी कर ली और 8 साल बाद उनका रिश्ता टूट गया। अलीशा चिनॉय फेमस सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक पर भी यौन शोषण का आरोप लगाकर चर्चा में आई थीं, लेकिन जब इनके पिता को कैंसर हुआ तो उन्होंने अपने पिता की देखभाल के लिए अपने करियर को कुर्बान कर दिया और उनकी देखरेख में जुट गईं। और इस सब के बाद उन्होंने दोबारा वापसी करने की भी कोशिश की, लेकिन अलीशा चिनॉय को वो स्टारडम फिर से हासिल नहीं हो सका जो उन्हें पहले मिला था। अगला नाम है तरसेम सिंह सैनी यानी कि ताज का, जिन्होंने थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे, नाचेंगे सारी रात, इट्स मैजिक जैसे सुपरहिट गाने दिए। पैंतालीस साल की उम्र में उन्हें सेहत से जुड़ी परेशानी हुई जिसका उन्होंने खूब इलाज करवाया, लेकिन उनकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। कोरोना काल में हार्निया का ऑपरेशन न होने के कारण ताज कोमा में चले गए और इलाज के दौरान एक दिन अचानक उन्हें होश भी आ गया, लेकिन उसके एक महीने बाद 54 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये इंडी पॉप की दुनिया के कुछ सितारे थे जिनके बारे में आज हमने बात की। आपको इनमें से कौन सा स्टार या उनका कौन सा गाना पसंद है या कमेंट करके बताएं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।